नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है मनीष सोनी जो कि युवा कैट में भी हैं, चैम्बर में भी हैं। क्या कुछ लगता है कि 3 साल चैम्बर के हो गए अमर परवानी जी के कार्यक्रम के, क्या कुछ खास उपलब्धियां हासिल की? जो अभी जो करंट कार्यकाल है अमर परवानी जी का चैम्बर में, उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जो इन्होंने लोगों को, नए लोगों को जोड़ने का काम किया है चैम्बर में। मतलब सबसे बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि संगठित जो चैम्बर थोड़ा सा अलग थलग था या लोगों की कम उपस्थिति होती थी, अब लोग संगठित रूप से जुड़ रहे हैं और लोग, सबसे बड़ा चीज़ जो लोग जुड़े हैं उनको फ़ायदा दिलाने का काम जो ये कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों का अलग अलग सेमिनार कराकर जो छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयोजन जो हो रहे हैं, अभी तक किसी कार्यकाल में मैंने इतने आयोजन नहीं देखे हैं। मैं काफ़ी सालों से चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी जो इन्होंने व्यवस्थित रूप से जो कार्यशालाएँ की हैं वो बहुत ही सुंदर की है। मतलब अभी व्यापारियों को लग रहा है कि वास्तव में ये व्यापारियों की संस्था है और व्यापारी हित में उनके लिए ग्रो करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए प्रोग्राम्स बन रहे हैं। न केवल संगठित रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो समस्याओं पे ध्यान देते हैं। किसी भी व्यापारी का, छोटे से छोटा व्यापारी जो उनके नंबर सेव नहीं होते, उनका भी वो फोन उठाते हैं, बात करते हैं और उनकी मतलब समस्याओं को वो व्यवस्थित डिपार्टमेंट तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं, जिनके लिए उन्होंने अलग अलग टीमें बना के रखी हैं जो प्रशंसा के पात्र हैं, सभी डेडिकेशन से काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगता है कि 3 साल का कार्यकाल बहुत। और क्या कुछ खासियत अपने मन से आप बताएंगे? सबसे अच्छी जो खासियत है सुलभता, जो व्यापारी के मन में झिझक रहती है कि बड़े मंच के पदाधिकारी को तक मेरी बात कैसे पहुंचाऊं मैं, वो इस टीम में मुझे नहीं दिखती है। आदमी, हर आदमी के लिए सुलभ व्यक्तित्व है और ये पूरी टीम को बधाई के पात्र हैं कि ये सारे व्यापारी अपना समझ कर समस्या लेके जाते हैं और उनका निराकरण होता है। बहुत अच्छी बात है मनीष भाई, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप दवा व्यवसाय से हैं, मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय व्यापार। धन्यवाद, जय व्यापार।